आज का सुबह का बात ही अलग है ना, इतना सामने सामने जेल और आरसी चर्च, हाँ साथ में है। मैं जेल चर्च ज़्यादा बड़ा बड़ा कभी नहीं देखी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सभी को जय जिशु इसी से है, हैप्पी संडे। आज है संडे, आज फाइनली छुट्टी का दिन है। हफ्ता में 6 दिन क्लास जाओ, संडे ही एक दिन रहता है जो हम लोग आराम से उठते हैं, आराम से सब चीज़ करते हैं। बट आज मैं चर्च गई थी तो सुबह जल्दी उठी, फिर भी सो गई थी तो मेरी दी कॉल की तो मैं उठी, उसके बाद चर्च गए थे। अच्छा लगा, यहाँ तो इतना जल्दी नहीं उठती हूँ तो सुबह का नज़ारा कैसे होता है मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ भी बहुत कितना कुहासा ढपा हुआ था, पूरा शीत शीत और बहुत ठंड भी लग रहा था, जो कि ओडिशा में जैसे लगता है वैसे फील हुआ। तो हम लोग जल्दी ही गए थे, चर्च स्टार्ट हो गया था फिर आ गए। मैं ब्लॉग नहीं बनाई, थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिखूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगता है। और ऑटो में गए, ऑटो में आए, वही पास में ही तो है तो नहीं बनाना हुआ। तो आज बहुत अच्छा लगा चर्च जाके, 2-3 हफ्ता हुआ मैं चर्च नहीं जा रही थी क्योंकि लेट से ही उठना होता था और उसे भी हफ्ता भर थक ही जाते थे तो नहीं होता था जाने, इसलिए नहीं जाती थी। तो उस पर गई थी तो आज गई थी तो नाश्ता वास्ता भी मेरा हो ही गया है। आज बहुत, कल भी बादल किया, आज परसों भी बादल किया था तो आज थोड़ा धूप दे रहा है तो मैं मेरा कपड़ा सबको धूप दिखाने के लिए लाई हूँ। मतलब वो पूरा ठंड के मारे मुझे बहुत ठंड लगता है और वो भी शीत शीत जैसा हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं छत में देने के लिए लाई हूँ, मैं सुखा लेती हूँ। हालांकि सुबह मैं जल्दी नहीं उठती हूँ पर सभी को जल्दी ही उठना चाहिए, वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और जो हो सके एक्सरसाइज योगा वगैरह कर लेना ही चाहिए। लेकिन बिजी लाइफ में सब कोई नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली तबीयत तो ऐसे ऐसे ही होता है, थोड़ा अपना सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। बट थोड़ा दिन हो रहा है मैं कर नहीं रही हूँ, पहले क्या होता था कि गांव में रहते थे तो ऑब्वियसली सुबह उठ के सब काम ही शुरू कर देते तो उसमें कुछ नहीं होता था। पर यहाँ अभी खाली ऑब्वियसली खाली रहना हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, खाली रह रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो थोड़ा तबीयत का भी मतलब सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो क्या भी कर सकते हैं, आलसी जीवन आलसी लगता है सब चीज़ करने में। अभी जाऊँगी मैं, सिर में भी ऑयल लगाऊँगी, पिछले वीडियो में मैं ऑयल बनाई थी उसको कैसे लगाएंगे वो नहीं दिखाई थी तो इस वीडियो में दिखाऊंगी कि उसका अप्लाई कैसे करते हैं। तो जाती हूँ नीचे, ऐसे भी आज सिर धोना है क्योंकि संडे ही एक टाइम मिलता है जिस दिन ये सब करने का मतलब मिलता है टाइम, नहीं तो बाकी दिन क्योंकि बहुत थोड़ा देर रखने से ही वो काम करेगा ना, और ऐसे ही लगाने के बाद ही धो देंगे तो वो कहाँ से काम करेगा। तो ठीक है, सो पहले तो बालों में तेल लगाने से पहले बालों को अच्छे से कंघी कर लेना है, उसमें कोई मतलब बाल उलझा हुआ ना हो। तो बालों को कंघी करने का तरीका होता है उसको नीचे से पहले करते हैं, उसके बाद ऐसे ऊपर करना है नहीं तो वो ज़्यादा ही टूटता है। और इधर तो ऐसे ही बाल झड़ ही रहा है तो पहले कंघी कर लेते हैं। वो अपने हाथों में लेकर या स्कल्प में लगाना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑयल को ले लेकर अपने स्कल्प पर ऐसे स्कल्प पर लगाना है और उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज करना है। सभी तरफ लगा लेने के बाद ऐसे ही सभी तरफ लगाना है हल्के हाथों में। लगाने के बाद इसे हल्के हाथों से मसाज करना है, मेन काम है ये। तेल लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करना है, उसको जोर से भी नहीं करना है और नाखून में भी नहीं करना है, उसको हल्के हाथों से दबाना है तभी ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ऑयल हमारे स्कल्प के अंदर तक जाएगा तभी वो काम करेगा। 5-10 मिनट आप कर सकते हैं, 15 मिनट तक भी कर सकते हैं आपके इच्छा के अनुसार। सो मसाज करने के बाद ऑयल को
बालों के लेंथ में भी लगाएंगे। और मैं बाल काट चुकी हूँ, बहुत झड़ रहा था इधर, तो मैं बोली थी काटूंगी बोल के, काटना पड़ेगा ना क्या, तो काटती। तो नीचे भी लगाना है, हल्का लगाने से भी चलेगा क्योंकि नीचे भी तो ऑयल चाहिए, पर स्कैल्प में मसाज करना जरूरी है। ऑयल आप कब लगा सकते हैं? आप रात को लगा सकते हैं अगर हो सके तो, ज़्यादा एक रात तक रखेंगे तो अच्छा रहेगा, सुबह उसको उठकर धो दे, नहीं तो सुबह लगा के 2-3 घंटा के बाद भी धो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं रात में भी लगाई थी और अभी भी लगाई, क्योंकि हल्का लगाई थी, मुझे चल जाना था तो चिपचिप हो जाता है। सो ऐसे ही करना, और मैं नहीं बोलूँगी कि ये नहीं झड़ेगा, वो धीरे धीरे उसका असर करेगा क्योंकि एक ही बार हर चीज़ नहीं करता है। तो इसे हर मतलब स्टार्टिंग करोगे तो पहले हर दिन लगाना पड़ता है, 2-3 दिन लगा के फिर धो, फिर 2-3 दिन, इसलिए 1 महीना होने के बाद ये रिजल्ट, और करते रहोगे तभी रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे तो ऐसे ही रहेगा ना क्या, नहीं छोड़ने से तो कुछ चीज़ होता नहीं है। तो कंटिन्यू ऐसे ही केयर करते रहिएगा और ऑयल बनाते रहिएगा तो अच्छा है, और बालों को ये बहुत जल्दी काला करता है। तो ठीक है, आप लोग भी यूज करना, मैं बताई कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद शैम्पू में धोना है, पर ज़्यादा शैम्पू बालों में यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद धोने के बाद आप सीरम लगा सकते हैं। सो ठीक है, बाद हल्के हाथों से इसको, इसे करने के बाद जूड़ा बना लेना है, हल्का जूड़ा बनाना है, 2-3 घंटे देंगी, 2-3 घंटे के बाद मैं बाल धोंगी और दिखाती हूँ उसका रिजल्ट कैसे है। ये ऑयल को मैं 2 बार ही यूज की हूँ, पहले कर चुकी हूँ, जो टाइम नहीं था तो वीडियो नहीं बनाई, सो फिर आज की हूँ तो दिखाती हूँ उसका रिजल्ट। देख सकते हैं मैं बाल अभी धोई, नेट में ही नहाई मैं। तो ये रही बाल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जितना झड़ता था थोड़ा थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो वो धीरे धीरे ही कम हो जाएगा, इतना जल्दी तो नहीं होगा, हमेशा उसको इस्तेमाल करने के बाद वो ठीक होगा। सो देख सकते हैं मेरा बाल, तो ठीक है, अभी तो रेस्ट ही करना है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।